तो गौतम भाई यहीं पे एक प्रश्न आता है, जैसे कि आप हमारी ऑडियंस को देख पा रहे हैं, हमारी ऑडियंस का प्रश्न ये है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे कि एक बड़ा मुद्दा जुड़ जाता है कि जो नॉनवेज खाते हैं वही जिम में बॉडी बना पाते हैं, और मैं भी गया, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अगर जिम जाता हूँ तो लोग सजेस्ट करते हैं कि अंडा खा लो, अंडा ये होता है। अब मेरा चूंकि मैंने कभी छुआ भी नहीं है उन चीज़ों को, तो क्या वेजिटेरियन लोग बॉडी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखेंगे आपको आज की सोशल मीडिया लाइफ में, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनसे भी अच्छी, काफ़ी अच्छी फिजिक वेजिटेरियन लोग बनाते हैं। जी, मैं खुद नॉन वेज रह चुका हूँ, 9 महीने हो गए मेरे को ये सब छोड़े हुए, क्योंकि मैंने कुछ शास्त्र और पुराण वगैरह पढ़े थे, तो वो सारे पढ़ के जब मेरा माइंड क्लियर हुआ तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी। बट अभी भी मैं पूरा वेजिटेरियन डाइट पे हूँ, मेरे को बॉडी में कोई सा भी डाउनफॉल नहीं दिखा है, बॉडी कांस्टेंट है और कीप ग्रोइंग स्टेज में है। मतलब आप अभी रेगुलर स्टेज में जिम जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी डाउनफॉल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉडी घट गई, कुछ घट गया, प्रोटीन आपको पूरा करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेंगी, चने, सोयाबीन, घी, ये सब आप खाओ, आपकी अच्छी डाइट रखो, तो आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, डाइट भी पूरी हो जाएगी। हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है डाइट को लेके। गौतम भाई, इसमें ऑडियंस का एक और प्रश्न आया था कि जिम जो जाते हैं लोग, उनको अधिकतर देखने में आ रहा है, रिसर्च में आ रहा है, और ये रिसर्च मैंने भी पढ़ी थी, कि उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो क्या जो नॉर्मल बंदा जिम जा रहा है उसको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की समस्या आएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जिम से तो उल्टा आपकी बॉडी फिट होती है जी। तो ये समस्या कहाँ से आएंगी? ये समस्या तब आ सकती है जब आप एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाते हो जी, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हो, तब जाके कुछ बाहर की चीज़ें अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो, तब जाके कुछ चांसेस होते हैं कि ये जब प्रॉब्लम्स आपको आए अपनी लाइफ में जी। बट मेरे को कहीं पे भी ऐसा कोई नहीं दिखा है, नहीं मिला है अभी तक, जो ये बोलता हो कि मैं जिम जाता हूँ और मेरे को ये परेशानी है जी। इसमें गौतम भाई एक चीज़ होती है कि जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आदमी को आती है, तो कई बार ऐसा मैंने पाया है कि वो काफ़ी स्टेरॉइड्स वगैरह का सेवन कर रहे थे, जिसके कारण ये चीज़ें आई और उससे बॉडी में भी डैमेज हुआ। तो क्या ऐसा होता है कि सब व्यक्ति को स्टेरॉइड सूट कर जाता है, या पार्टिकुलर लोगों की बॉडी को देखना पड़ता है, भापना पड़ता है कि भाई इसको सूट करेगा, इसको नहीं करेगा? मान लीजिए आपको कोई चीज़ सूट कर रही है और मुझे नहीं कर रही, तो इसमें भी क्या सर्टिफाइड ट्रेनर का ही रोल होगा? जी, ये एक पर्टिकुलर ट्रेनर के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो आपको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, बट उसकी भी कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ट्रेनर बताता है, उसके डाइट के अनुसार होती हैं। अगर आप नॉर्मल जिम जा रहे हो, कोई मतलब आपका है नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव परफॉर्म करोगे, है चाहे वो पावर लिफ्टिंग में हो चाहे बॉडी बिल्डिंग में हो, आपको ये सब चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, अगर एक कॉम्पिटिशन का स्टेज आता है वहाँ पर हर कोई लेता है, साफ सीधी बात है, और बट उनका भी डिपेंड करता है उनके ट्रेनर पे, उनकी ट्रेनिंग पे, वो कितनी मात्रा में लेंगे, सब पहले से डिसाइड होता है। हाँ, और उनका वही चलता है। बट अगर आप लोगे ना, आपको आइडिया है ना कुछ जी, लेना चालू कर दोगे, बस साइड इफेक्ट देखना चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम भाई, इसमें जो जिम की इंजरीज होती हैं वो कहते हैं बड़ी खतरनाक होती हैं, और मैंने भी कई ऐसे वीडियोस देखे जिसमें किसी का घुटना टूट जा रहा है, कभी किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम आ गई है, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गई है। तो कहीं ना कहीं आपने जो पहला पॉइंट हम लोगों को क्लियर किया कि रॉन्ग जो एक गाइडेंस मिली, या जो ट्रेनर हर गली मोहल्ले में जिम खुल गए हैं और जो इस तरीके से सिखाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जिम इंजरीज वगैरह हो रही हैं उनसे कैसे बचा जाए? सबसे पहला दो चीज़ें, परफेक्ट मोबिलिटी की एक्सरसाइज करो। फॉर एग्जांपल मेरे को शोल्डर आज मारने हैं, शोल्डर की पूरी मोबिलिटी की स्ट्रेचिंग पहले मैं करूँगा, वार्म अप करूँगा, ठीक है, फिर शोल्डर के कहीं वेट लगाना चालू करूँगा, कम से चालू करूँगा और बढ़ाता चला जाऊँगा। सीधे ही जाके अगर मैं 100 किलो मार दूँगा डेफिनेटली मेरे को इंजरी होगी। दूसरी चीज़ आती है ईगो लिफ्टिंग। हमने सब चीज़ें कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, मोबिलिटी की एक्सरसाइज कर ली, वार्म अप कर लिया, बट पता है कि मेरे को हिम्मत नहीं है कि मैं 100 किलो की शोल्डर प्रेस मार दूँ, पर ईगो लिफ्टिंग है, मुझे मारनी है, मुझे माननी है। ईगो लिफ्टिंग के कारण लगा देते हैं, दिखावे के कारण, सोशल मीडिया पे क्योंकि फेमस होना है, दिखावे के कारण मार दिया, कभी एल्बो डैमेज हो गई, एल्बो टूट गई, कभी शोल्डर इंजरी हो गई, शोल्डर टूट गई, और ये ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, ये आपकी लाइफ टाइम रहेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग छोड़ दो, मत करो।
ईगो लिफ्टिंग भी एक पर्टिकुलर हद तक ही ठीक रहती है, उसके आगे आपको सिर्फ